हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सुनील और आज हम लोग बात करने वाले सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कार ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन के बारे में। एंड ये आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट एक्सी। टोटल आपको 7 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं इसमें एंड अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार भी मिल जाती है बिकॉज ये ग्लोबल एंड के अपने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी हुई है। एक नंबर की बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, काफ़ी बेहतरीन बोल्ड एंड मस्कुलर आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। एंड 6 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें डुअल टोन एंड सिंगल टोन दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बेस वेरिएंट से इसमें DRL ऑफर किए जाते हैं, इनमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, की कुछ इस तरह आपको मिल जाएगी। नॉर्मल कीज़ मिलेंगी, 2 की ऑफर की जाती हैं आपको, इसमें कोई सेंट्रल लॉकिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये अभी आप देख रहे हैं इसकी साइड प्रोफाइल एंड अलॉयस वगैरह आपको नहीं मिलते बेस वेरिएंट में, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो बात करें अगर इसके इंजन ऑप्शन की तो आपको डीजल, पेट्रोल एंड EV 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसमें, जो भी प्रेफर करें। एंड ये आप देख रहे हैं इसका पेट्रोल वेरिएंट और न्यू टाटा नेक्सॉन का। तो अभी हम लोग देखते हैं फ्रंट से क्या क्या और दिया हुआ इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में ही। एंड यहाँ मिल जाती है DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट, काफ़ी बोल्ड आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलेगी इसकी, मस्कुलर देखने में एक स्पोर्टी फील आएगा। एंड यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ देखेंगे तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश पूरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम फिनिश पूरी हेडलैम्प तक कंटिन्यू आपको मिल जाएगी और नीचे आएंगे तो ये आफ्टर मार्केट यहाँ पे फॉग लैम्प लगे हुए मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे इस बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिल जाता है, काफ़ी सारी एक्सेसरीज में लगी हुई जैसे फॉग लैम्प एक्सेसरीज का पार्ट है। एंड ये आपको ट्राई एरो में लोअर ग्रिल मिल जाती है ब्लैक कलर की एंड 209 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन में। तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, वाइपर की ऊपर ये रूफ देख सकते हैं, आपको कोई एंटीना वगैरह नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में इसके। तो काफ़ी मस्कुलर आपको फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है एंड अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन। तो अभी आप देख रहे हैं इसकी साइड प्रोफाइल। अब बात करें अगर इसके डायमेंशन की तो 4993 mm की लेंथ मिल जाती है, 1811 mm की विथ एंड 1606 mm की मिल जाएगी हाइट ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन की। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये क्लाइडिंग मिल जाती है एंड 16 इंचेस के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। बात करेगा टायर साइज की तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, 16 इंचेस के स्टील रिम आपको ऑफर किया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर आपको ड्रम मिलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे देखेंगे तो रब ब्लैक फिनिश में आपको इसके ORBMs मिल जाते हैं जो इंडिकेटर के साथ आते हैं एंड ये मैनुअल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल होंगे। यहाँ पर आपको डोर क्लाइडिंग मिल जाती है एंड ब्लैक फिनिश में आपको इसके डोर हैंडल्स एंड अंदर का इंटीरियर कुछ इस तरह दिखेगा आपको, काफ़ी बेहतरीन एंड प्रीमियम। यहाँ पे पूरा आपको वाइट एलिमेंट मिल जाता है, ये देख सकते हैं, यहाँ से आप फ्यूल फिल करा सकते हैं। 44 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है रियर व्हील। एंड बात करें अगर इसके व्हील बेस की तो 2498 mm व्हील बेस मिल जाता है। ये डोर वाइजर देख रहे हैं, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, किसी का भी अगर आपको प्राइस जानना हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी एक्सेसरीज मैं आपको बताता जाऊँगा। एंड अब आते हैं हम लोग बैक प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको LED टेल लैम्प मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन। एंड यहाँ भी आपको वाइट एलिमेंट मिल जाता है पूरी बैक प्रोफाइल में। एंड यहाँ हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, डिफॉगर इस और वाइफर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाटा का लोगो, पीछे नेक्सॉन की बैजिंग एंड इस वेरियंट में कोई कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है एंड ये 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर और ये जो आप कैमरा देख रहे हैं ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ से आप अपने बोर्ड को ओपन कर सकते हैं, की से भी ओपन हो जाएगा, आगे लीवर है वहाँ से भी आप उसको बोर्ड को ओपन कर सकते हैं अपने। तो बोर्ड ओपन होने के बाद कुछ इस तरह पूरा अंदर का इंटीरियर दिखेगा आपको। ये पार्सल ट्रे भी आपको नहीं मिलेगी इस वेरिएंट में, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है। एंड नीचे देखेंगे ये म्यूज़िक सिस्टम वगैरह का बॉक्स पड़ा हुआ है जो इसमें लगाया गया, इंस्टॉलेशन हो चुकी है ये बॉडी कवर वगैरह। एंड इसमें आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस पर टायर मिल जाता है, स्टील रिम भी आपको मिलेगा। तो अभी बूट को हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये था बेस वेरियंट ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज लगी है जिसको अपर वेरिएंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हम लोग चलेंगे इसके इंटीरियर में, देखेंगे और क्या क्या लगा हुआ है एंड क्या क्या मिलता है आपको टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में। तो काफ़ी मस्कुलर आपको इसकी मिल जाएगी फ्रंट प्रोफाइल एंड टाटा आपको इसमें 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराता है।
तो यहाँ कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं ऑफर की जाएगी, आपको मैनुअल डोर ओपन कर सकते हैं। तो बेहतरीन आपको डोर एंड अंदर का इंटीरियर दिखेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसकी डोर में एंड इंटीरियर में, इससे पहले की लगा देते हैं। तो यहाँ डोर पे दोनों आपको फ्रंट की पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हैंडल मिल जाएगा क्रोम सिल्वर फिनिश में, डोर ओपनर हैंडल, नीचे बॉटल होल्डर, यहाँ पे ट्विटर, स्पीकर, ये सब आप बाद में लगवा सकते हैं, आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। यहाँ मैनुअल आपको ORBM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में। ये सीट कवर भी एसेसरीज का पार्ट है जो कस्टमर ने लगवाए हुए आफ्टर मार्केट। सिर्फ इसमें आपको सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, हाइट का नहीं मिलेगा। नीचे फ्यूल लीड एंड बोट ओपनर मिल जाता है, पैडल्स यहाँ नीचे मिल जाएंगे आपको। तो अब हम लोग बैठ के देखते हैं इसका पूरा इंटीरियर। तो बैठने के बाद काफ़ी बेहतरीन आपको इसका स्टीयरिंग व्हील दिखेगा एंड डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इसमें, जिसमें लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है RPM मीटर एंड बीच में मिल जाती है MID स्क्रीन एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी इसमें, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है इसके स्टीयरिंग की। यहाँ पर टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड कोई भी आपको माउंट कंट्रोल नहीं मिलता है बिकॉज ये बेस वेरियंट है। एंड टिल्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड वाइफर का कंट्रोल, राइट साइड आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अब आएंगे सेंटर कंसोल पे। तो ये जो आप म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर कोई म्यूज़िक सिस्टम आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। अगर इसका आपको प्राइस जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 लाइट का कंट्रोल मिल जाएगा। इस इवेंट के डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखेंगे एंड ये मैनुअल AC के कंट्रोल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 6 स्पीड मैनुअल का ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक भी आपको मिल जाता है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन में, बट बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं जिसमें आप इको सिटी या स्पोर्ट जो भी ड्राइव मोड लगा के चलाना चाहें चला सकते हैं। यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक एंड 2 ग्लास होल्डर्स, ये एयर प्योरीफायर आई थिंक रखा हुआ एसेसरीज का पार्ट है। एंड काफ़ी बेहतरीन आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, 2 एयरबैग मिल जाता है आपको फ्रंट में एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई ग्लोबल NCAP ने इसको दी हुई है, तो अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार बन जाती है। एंड यहाँ पे IRVM मिल जाता है एंड ये रीडिंग लैंप देख सकते हैं आप। यहाँ पे गॉगल्स होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। इधर सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है लेफ्ट साइड, यहाँ पे ग्रैप हैंडल एंड इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड। तो बेहतरीन आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। म्यूजिक सिस्टम अगर आप लगवा देते हैं एसेसरीज में तो एकदम फ्रंट जो इसका डैशबोर्ड है आपको लगेगा नहीं कि आप बेस वेरिएंट में बैठे हुए हैं। कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें लगवा देने के बाद एक अच्छा फील आएगा। पीछे का कैबिन आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। तो अब हम लोग चलेंगे इसके रियर सीट पर, देखेंगे कैसा क्या कम्फर्ट है। तो ये थी हमारी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का बेस वेरियंट। अंदर बैठने के बाद आपको बेस की फीलिंग नहीं आएगी, कुछ एक्सेसरीज लगवाने के बाद एकदम प्रीमियम फील आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके पीछे वाली सीट पे, देखते हैं कैसा क्या कंफर्ट है। तो ये डोर देख सकते हैं, डोर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगी। यहाँ पे डोर ओपनर मिल जाता है, ये हैंडल मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ट्विटर, ये पावर विंडो का कंट्रोल जो आप देख रहे हैं आफ्टर मार्केट लगाओ, यहाँ पर उसे आपको हैंडल मिलता है। यहाँ पर स्पीकर आप लगवा सकते हैं बाद में। तो अब हम लोग बैठते हैं अंदर। तो अंदर बैठने के बाद आपको काफ़ी बेहतरीन डैशबोर्ड दिखेगा, एक प्रीमियम फील आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है, यहाँ अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, स्पेस मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन आपको इसका पूरा इंटीरियर मिल जाता है, अच्छा खासा हेडरूम मिल जाएगा एंड 6 फीट मेरी हाइट है, तब भी लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है बिकॉज आगे वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर दी थी। तो पीछे का कुछ इस तरह दिखेगा, पार्सल ट्रे आप बाद में लगवा सकते हैं या एसेसरीज में लगी हुई है। एंड एक प्रीमियम आपको डैशबोर्ड इसका दिखेगा कुछ एक्सेसरीज लगवाने के बाद। तो ऐसा कुछ है इसका अंदर का पूरा इंटीरियर ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन के बेस वेरियंट का। तो अभी हम लोग चलेंगे बाहर एंड बात करेंगे इसके इंजन एंड प्राइसिंग की। तो इस डोर को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, तो की को निकाल ले, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी बात करें अगर इसके इंजन की, तो आपको इसमें पेट्रोल डीजल एंड EV तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड बात करें ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं पेट्रोल, तो ये आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन टर्बोचार पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 118 BHP की पावर, 170 NM का टॉर्क जनरेट करता है एंड 17 से 18 का माइलेज मिल जाएगा। एंड अगर आप डीजल लेना चाहें तो 1.5 लीटर रिवोट्रॉन टर्बोचार डीजल इंजन मिल जाता है जो 108 BHP की पावर एंड 260 NM का टॉर्क जनरेट करेगा एंड 21 से 22 का माइलेज मिल जाता है। अभी बात करें अगर इस वेरियंट की प्राइस की, जो XC या पेट्रोल देख रहे हैं तो 7,08,000 पड़ जाता है आपको एक शोरूम एंड 8,07,000 पड़ जाएगा आपको ऑन रोड लखनऊ में। अगर आप डीजल लेना चाहें XC तो वो आपको 8 लाख
45,000 एक शोरूम पड़ेगा, 9,58,000 पड़ जाएगा ऑन रोड लखनऊ में। अभी बात करेगा इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको इसमें ABS विथ EBD, डुअल एयरबैग, क्रैश सेंसर, इंजन इम्बलाइजर, एंटी थिफ्ट अलार्म, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन में। तो ये थी हमारी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।